कुछ लोगों ने अटेंड किया था, जैसे हमारी मधु बहन थी, उन्होंने अटेंड किया, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने तुरंत हरिद्वार में इनवाइट कर लिया। तो सेकंड प्रोग्राम हरिद्वार में हुआ, थर्ड प्रोग्राम में मेहरा जी आए थे, अल्पना बहन आई थी, शिवानी बहन आई थी, तो इनको भी अच्छा लगा, इन्होंने प्रेरणा पा के यहाँ पे कर लिया। अब तीन प्रोग्राम होने के बाद हम सब लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये 10-12 घंटे इस तरीके से लंच टू लंच जो है कम पड़ जाते हैं और मज़ा नहीं आता है, क्योंकि हमें भागने की लगती है। हम में से ज़्यादातर लोग दूर से आते हैं, हम सोचते हैं इन टाइम रात को घर टाइम पे पहुंच जाए, तो उसके लिए हमें जल्दी ही रहती है, सुबह भी हम देर तक सोते हैं और जल्दी फिर भाग के आते हैं जागते, शरीर में भी थकावट होती है। तो एक थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अगली बार से प्रारंभ होगा, अगर रहा श्री माता की कृपा हुई तो 2 रात्रि का प्रोग्राम होगा। 2 रात्रि का कार्यक्रम होने के कारण इसके थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, क्योंकि एकोमोडेशन एक्सपेंसिव होती है। और हमारा प्रयास ये रहता है हमेशा, क्योंकि जो अटेंड करने वाले लोग हैं वो लोकल भी हैं, जैसे हमारी बहन ने यहाँ खुद भी अटेंड करना है, पर आपने देखा होगा हमारी बहन सारे अरेंजमेंट में इंगेज रही है, पूरी तरीके से इसका आनंद नहीं उठा पाई है। मैं जानता हूँ ना होता क्या है, और मेरा जी वगैरह है सारे यहाँ के सहयोगियों ने बहुत कुछ करना पड़ा, ये प्रोग्राम पहले वाले प्रोग्राम जैसा बिल्कुल नहीं था। इन लोगों ने सारा सामान वामान खुद अरेंज किया है, सब्जी वब्जी ये सब अरेंज खुद किए हैं, तो सोचिए जो अटेंड करने वाले लोग भी उन्हें भी एंगेज होना पड़ रहा है। तो हमारा हमेशा से आगे से ये प्रयास रहेगा कि हम में से कोई भी, चाहे जिन्होंने इनवाइट किया वो भी 1 मिनट के लिए भी एंगेज ना हो, और ये पूरी तरीके से केटर्ड प्रोग्राम हो, केटर्ड व्यवस्था, जिसमें कुछ किसी को ना करना पड़े, ना सब्जी लानी पड़े, ना ये करना पड़े। जैसे 2 प्रोग्राम पहले इसी व्यवस्था से हुए कि एक होटल में हमें बड़ा सा हॉल मिल गया, उसमें 100-150 लोग भी बैठ सकते थे, वेल अरेंज थे, क्योंकि वो होटल प्रोफेशनल व्यवस्था है, इसमें डोमेस्टिक टच नहीं होना है हमें, ताकि हमारा समय बर्बाद होगा इस चक्कर में। किसी को शायद दिक्कत नहीं हुई है, यहाँ लगी आइसक्रीम भी खाने का मौका मिल गया मिताली को, ये भी एक अलग से व्यवस्था है इसका, इस चीज से प्रोग्राम के उससे कोई लेना देना नहीं, दैट इज आउट ऑफ कंपैशन, प्रेम इसके पीछे है। तो असुविधा किसी को अभी भी नहीं है, पर हमें एक अफसोस है कि यहाँ के लोग पूरी तरीके से इसका आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि उन्हें व्यवस्थाएं भी करनी थी। तो अगली बार इस चीज को खत्म करने के लिए आगे, वैसे रमनी बहन ने कह रखा है कि आगे अगला वाला प्रोग्राम लुधियाना में होगा, 2 महीने 3 महीने में जब भी उनको उचित लगेगा वो बताएंगी। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा, उसके कारण इसके थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, और मैं समझता हूँ हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनका एक्सपेंसेस से कोई खास लेना देना है नहीं, ठीक है। सिंपल, अगर कोई आदि शक्ति पूजा में भी जाते हैं या किसी उसमें करते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये वहाँ पे भी खर्च होते हैं, लग जाते हैं, कंट्रीब्यूशन ही लगभग 2500-3 हज़ार का होता है अक्सर। अब जैसे सेमिनार होगा या छिंदवाड़ा पूजा होगी, 2500-3 हज़ार से कम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता अगर आर्थिक दृष्टि से देखें, लेकिन जो बेनिफिट है उसमें हम तोल नहीं सकते, और हम पैसा देकर इस आनंद को नहीं ले सकते। पैसा देकर हम सुविधाएं या अपने आप को वहाँ पे बैठने की जगह ले सकते हैं, पर वो आनंद तो देवी देवी वो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसे पैसे से नहीं खरीद सकते, और पैसा हमारे लिए इमेटेरियल भी है, क्योंकि हम सब लोगों की एक तमन्ना है हम ग्रो करें, इंटरनली ग्रोथ होनी चाहिए हमारी। तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन 2 रात्रि की एकोमोडेशन का और 2 एक दिन के फूड का बढ़ जाता है। 2 रात्रि में रुकने में हमारे पास फूड कितने प्रकार के होंगे, 2 लंच होंगे, 2 डिनर होंगे, और कम से कम एक दो, हाँ एक ब्रेकफास्ट होगा, ठीक है, 5 चीज़ें तो ये हो गई, बाकी टी तो 2-3-4 भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है जितनी भी ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उन सब पे कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। तो होप कि कोई इस चीज़ को माइंड नहीं करेगा। आप लोग क्या राय है, 2 रात्रि का होना चाहिए एक का ही रहने दें, 2? और बेसिकली सैटरडे संडे की ही इच्छा रहती है, जिससे कि लगभग सभी के फ्री टाइम होते हैं, और 1 दिन की, अगर दूर से आने वालों को 1 दिन की थोड़ी छुट्टी करनी पड़ेगी, यानी कि मंडे की, सैटरडे में तो हो ही जाएगा, पर इसकी जो सोचना है वो सब हम खाली इमेटेरियल है, खाली हमें एक आइडिया देने के लिए इस हमने, हम लोगों ने बातचीत कि हम जानते हैं हमारे 7 चक्रों पर 7 सुर भी विद्यमान है ना, मूलाधार पे सा, स्वाधिष्ठान पे रे, नाभि में ग, हृदय में मा, और विशुद्धि में पा, और यहाँ पर धा, और यहाँ नी, ठीक है। तीनों के तीनों जो ये 7ों के जो सुर जो है, श्री माता जी ने बताया है कि
कुंडली ने इन सुरों का सृजन किया है। जब कुंडली जिस चक्र पे आई है, एक सुर की उसमें उत्पत्ति हुई है। प्राचीन विधियों में इनके बीज मंत्र भी होते हैं, जो इनके मौलिक मंत्र है, जैसा बताया गया है। मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, श्रीमाताई ने किस तरीके से बताया ये भी मुझे नहीं मालूम है। मुझे इतना पता है कि श्रीमाती ने सुर बताए हैं, और सुर जो है सरगम है, सारे गीतों का जो निर्माण है इसी प्रकार की सरगम से हुआ है। और जो गीत होते हैं या भजन होते हैं वो क्या होता है, वो होती है कुंडली की लय। कि कुंडली मदमस्त होकर जिस चक्र पर आ रही है, एक सुर को उत्पन्न कर रही है और उसमें हमारी चेतना डूबती है, उसका सुर का आनंद लेती है और उसमें हमारे को ध्यान लग जाता है। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हर सुर एक परमात्मा की शक्ति से ही उत्पन्न हो रहा है, और परमात्मा की शक्ति से हम उत्पन्न हो रहे हैं, वो उत्पन्न हो रहा है और हमारे अंदर वो घटनाक्रम बन रहा है। एक छोटा सेशन सरगम का करेंगे, और आशा है बहन जी जरा बातचीत थोड़ा कम कर दीजिए इस कमरे में, और इसे बंद कर लीजिए दरवाजे को। तो प्रारंभ करते हैं हम, आंख बंद करके करेंगे, आंख खोल के, आपकी डिपेंड करता है ध्यान में, तो खोल के। अभी तक हमने आंख बंद करके ध्यान किया, और अब हम आंख खोल के इस चीज का आनंद लेने जा रहे हैं। मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, और इसमें हम सब शामिल होंगे, हम सब उसका उच्चारण करेंगे सारे सुरों का, ठीक है। और इसमें हमें एक बार ध्यान रखनी है, कॉन्शियसनेस के साथ एक्नॉलेज करना है कि जिस सुर की भी हम उच्चारण कर रहे हैं, उस उच्चारण करते हुए हमारे भीतर में किस प्रकार की ऊर्जा कहां कहां घटित हो रही है, ठीक है। यह हमें अलर्ट रहकर जानना है, इससे हमारे संज्ञान में वृद्धि होगी और हमारी गहनता में वृद्धि होगी कि इस सुर के उच्चारण से हमारे ये चक्र इस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, नाड़ियों में ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये सुर के उच्चारण से होता है। चलिए शुरू करते हैं मूलाधार से, और मूलाधार का सुर है सा। जिसे हम रे कहते हैं ना, हमें उसमें एक ही मात्रा नहीं लगानी, हम रा भी कर सकते हैं, आम स्थिति में उसमें मात्रा लगी हुई नहीं है, पर हम संगीत के हिसाब से रे बोल देते हैं, वैसे वो रा है, सा रा गा इस तरीके से है। पर हम उसे और मेलोडियस बनाने के लिए हम रे भी बोल सकते हैं, मेलोडी, लिरिक्स और मेलोडी दो चीजें होती है ना, तो मेलोडी यहाँ सुरों से पैदा, चक्रों से पैदा हो रही है, लिरिक्स हम उसमें जोड़ देते हैं, कोई भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम जब भी जिस चक्र पे भी हम जिस चक्र का भी सुर हम क्या करने वाले हैं, बोलने जा रहे हैं, अब हमारी चेतना उसके अधिष्ठा पे फोकस करेगी, यानी कि श्री गणेश पर। श्री गणेश पर फोकस करते हुए अपनी चेतना को हम उसका सा का उच्चारण करेंगे, जितनी बार भी होगा साथ साथ हम फॉलो करेंगे उस उच्चारण को, ठीक है। चलिए अपने चेतना को हम फोकस करेंगे श्री गणेश जी पर, और महसूस करेंगे इस वक्त श्री गणेश ही हमारे भीतर में कार्यान्वित हो रहे हैं हमारे यंत्र में। चलिए सब बोलेंगे सा। इस उच्चारण के साथ साथ अपने भीतर में होने वाली घटनाक्रमों को मत भूलिएगा, उसका भी ध्यान रखना है। सा
इसका लाभ क्या है? अब हम इस तरीके के उच्चारण करते हैं, मान लो जो भी लोगों का ध्यान में चित्त ना लग रहा हो, आप ध्यान के लिए बैठे, आपका मन ही नहीं लग रहा, आपका मन उचाट हो रहा है, आप ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अभी आप देख रहेंगे सहस्त्रार का स्तर कहां पहुंच गया है, ऊर्जा का स्तर कहां पहुंच गया है, विचार कितने हैं, डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या माइंड में, कोई हमें अभी व्याकुलता थी, हमें जाना है, ये जाना है, वो जाना है, क्या है व्याकुलता, समाप्त हो गई। और ध्यान में हमारा मन लगने के लिए एक तैयारी है। जो सुर हैं, यदि हम उनका उच्चारण करते हैं या हम सुर से संबंधित राग गाते हैं या राग के साथ में हम भजन लेते हैं, तो हमारी वो मदद करते हैं, ध्यान में स्थित होने के लिए हमें तैयार करते हैं। और जब ध्यान लग जाता है तब भी हम यदि इसका उच्चारण करते हैं
ध्यान लगने के बीच में भी उच्चारण चल रहा है, शब्दों में नहीं चल रहा है, मौन में चल रहा है, तो ये हमें उस ध्यान में स्थायित्व प्रदान करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं मेडिटेशन को, ध्यान में हमारा समय बढ़ा देते हैं निर्विचारिता का। और जितने भी आज्ञा चक्र के भ्रमण है, भागा दौड़ी है, उसमें हमें शांति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेशन समाप्त होने जा रहा है, 12 मिनट रह गए हैं। अब आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक जो भी आपने अनुभव किया है, कुछ कहना चाहते हैं उस अनुभव के आधार पे, हमारे अपने साथियों को कोई संदेशा देना चाहते हैं, तो प्लीज करिए। 10-12 मिनट है और उसके साथ में फोटो सेशन भी हो जाएगा, वहां पे बेटा वहां जाकर सबका एक फोटो वोटो ले लेना, मोबाइल से भी खींच लेना, अगर नहीं हो तो मेरे मोबाइल ले लेना, जिससे कि एक स्मृति हमारे साथ में रहेगी। कोई अभी आपको इस बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ अधूरापन रह गया है, लग रहा है? नहीं, पक्का पूर्णता महसूस हो रही है? कुछ लोगों को लगा कुछ और होना चाहिए था? कभी हो ही नहीं सकता है पूर्णता तो ये यात्रा इतनी, क्योंकि ये जो ध्यान में जो भी सेशन है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि हर सेशन का एक अलग मजा है, हर वार्तालाप का एक अलग मजा है, हर वार्तालाप हर सेशन के साथ हमारी चेतना का विकास हो रहा है। कोई किसी को बोरियत तो नहीं हुई, कोई बोर तो फील नहीं किया? तो कोई कुछ बताना चाहते हैं अपने साथियों को, कोई सीख देना चाहते हैं कि हम ध्यान में बैठे थे, आपको ये करना, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये तो अब मैं अब नहीं बोलूंगा, अब आप लोग बताएंगे एक दूसरे को, ठीक है? चलिए बताइए, मैं माइक देता हूँ। है क्या चीज? माइक खराबी है क्यों? तो चलिए बिना माइक के बता दीजिए, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा हाई हो। कारण है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जोर से इसलिए बोलना पड़ेगा ताकि इसमें रिकॉर्ड हो जाए आपकी बातें, और आपके जो संदेश है, आपकी जो सीख है या आपका अनुभव है, उससे पता नहीं किस सुनने और देखने वाले को लाभ हो जाए, इसलिए थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा ताकि ये जो है कैमरा इसको ग्रहण कर, ठीक है? और आप सब लोग इसके बाद में तुरंत भोजन की व्यवस्था करें। जिन लोगों को काफी दूर जाना है, 7-6 घंटे लगने हैं, वो इंतजार ही ना करें, सीधा भोजन करें और निकलने की तैयारी लीजिए। अब ये आनंद आया, आया क्या आपको लगा कि आपका आना सार्थक हुआ? ऐसा तो नहीं लगा बस हमने खामखा टाइम खराब कर दिया, बेकार आके इतनी असुविधा उठाई, मात्र एक रात्रि के लिए वो ढंग से सोए भी नहीं है, खाना भी ढंग से नहीं खाया है, सोने की व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं लगी हमें, भागा दौड़ी सी रही, 4-5 घंटे के लिए सोए मात्र, तो क्या ऐसा लगा? किस किस को ऐसा लगा? किसी को नहीं लगा, दर्द तो है, और अगर किसी को थोड़ा बहुत लग भी गया है, शर्म शर्म में बता भी नहीं रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ लगना चाहिए, क्योंकि हमारी जो डेली कंडीशनिंग है वो थोड़ी टूटनी चाहिए। हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो हम अपने जीवन में सुख सुविधा का एक साम्राज्य बनाकर उसमें हम रहते हैं, कभी कभी उसे तोड़ के बाहर रहने का भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि बाहर भी एक दुनिया है परमात्मा की बनाई हुई, एक दुनिया हमने अपनी संपन्नता सुविधाओं से पैदा की, हम उस दुनिया में रहने लगे, हम उस दुनिया में सदा रहना चाहते हैं, उस एक आराम की सुविधा की संपन्नता की दुनिया, ठीक है? और एक परमात्मा ने दुनिया बना रखी है जिसमें हर प्रकार के प्राणी हर तरीके से रहते हैं, तो हमें उस सुविधा और उस मतलब जो एक सुख सुविधा से बाहर निकलकर उस एक ऐसी हमारे हिसाब से असुविधाजनक जिंदगी का भी आनंद लेना चाहिए, रफ टफ लाइफ का भी आनंद लेना चाहिए, तभी हमारे जो सुख वाली जिंदगी है उसमें इजाफा होगा, तभी हम कहेंगे वाह वापस घर जा रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, आराम से सोएंगे, सुबह आराम से उठेंगे, कोई जल्दी नहीं होगी। जो हमारे पे सुख सुविधा है उसका आनंद भी तभी आता है जब हम असुविधा वाली जीवन जी के जाते हैं, तो जो डिफरेंस है सुविधा और असुविधा का, वो डिफरेंस हमें जो हम जी रहे हैं उसके आनंद को 4 गुना बढ़ा देता है। तो समय समय पे अपने आप को थोड़ा कष्टों में रखने की आदत डालें, थोड़ा धूप में भी घूमें, थोड़ा बेचैनी में भी रहें, थोड़ा विपरीत वातावरण में जो मन के विपरीत नहीं है उसमें भी थोड़ा समय बिताएं, ताकि समाधान उपस्थित हो, समाधान विपरीतताओं में पैदा होते हैं,
और जो एक साधक है वो निखरता है एडवर्सिटीज में, जब उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हो तभी साधक में निखार आता है। तो इस चीज की कभी चिंता ना करें। लीजिए, जो लोग भी जो जो बताना चाहते हैं प्लीज बहन जी। और उससे पहले मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले और जो सब कहना चाहते हैं अपनी बात थोड़ी सी 5-10 मिनट के लिए रखना चाहता हूं। हम सभी लोग सभी की तरफ से हमारी अल्पना बहन, शिवानी बहन, मेरा जी और हमारी भट्ट बहन है, भट्ट जी हैं, उन सबके हृदय से शुक्रगुजार हैं जिनके प्रेम गैरोला जी मैं एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, जो जो मेरे को पता है, और बाकी वो सभी लोग जिनको मैं वैसे पर्सनली नहीं जानता हूँ लेकिन इसका हिस्सा है, इतनी आनंद देने का हिस्सा है, शिमाते ने उनको माध्यम बनाया है इस सब की सुंदर सी कलेक्टिव का आनंद उठाने के लिए, उन सब के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी करुणा, प्रेम, वात्सल्य ने हम सबको जो आनंद दिया है उसका हम धन्यवाद देना नहीं चाहते, क्योंकि हम हमेशा लेना चाहते हैं, धन्यवाद देके उसको समाप्त नहीं करना चाहते, वो सदा बना रहे चाहे हम दोबारा यहाँ आए ना आए, यहाँ प्रोग्राम हो ना हो, पर वो वात्सल्य, प्रेम और आनंद सदा बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ, आप लोग जो कहना चाहे। जय श्री माता जी। मेरा नाम उर्मिला है, मेरी ये सेकंड वर्कशॉप थी, मैं बहुत ही अच्छा मतलब महसूस किया मैंने, और मैं अपने बहन भाई जो भी सहजी बहन भाई हैं ये वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से अपने नाड़ियों चरणों पर जो जो चीज़ हमने महसूस की है, डीपली सेंसेशन अपने चक्रों और नाड़ियों पर महसूस की है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका आनंद और अनुभूति महसूस करें। जय श्री। और भी कोई बहन हमारी, बहन भाई जोर से बोलिएगा। जय श्री माता जी। मैं डेजी चांदना बोल रही हूँ और मैंने ये फर्स्ट टाइम वर्कशॉप अटेंड की है, और जो मुझे आनंद आया है वो आज तक कभी भी नहीं आया, कभी भी। और मेरी यही दिल्ली तमन्ना है कि मैं हर वर्कशॉप अटेंड कर सकूँ और मैं कोशिश जरूर करूँगी। तो मतलब ये है कि आम जो लोग हैं उनकी मेन समस्या यही है कि वो निर्विचार नहीं हो पाते और विचार उनको बहुत बहुत तंग करते हैं, और ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन इस वर्कशॉप में इतना आनंद आया और इतनी देर इतनी निर्विचारिता आज तक मैंने कभी भी महसूस नहीं की, और जो भी सहजी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो एक बार इस वर्कशॉप को जरूर जरूर अटेंड करें, और उनको इतना अच्छा लगेगा ना कि वो हर बार आना चाहेंगे। तो अपने इस आनंद के लिए मैं श्री माता जी को थैंक यू लेती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट मतलब दिया है कि जो हमारी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं, और साथ ही इस वर्कशॉप में इतनी नई नई बातें पता चली ना, और इतनी अच्छी तरह से जो ध्यान कराया गया उसका वर्णन करना ही मुश्किल है, इतने सारे जो ग्रह नक्षत्र आज तक कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं हमने, और वो चीज़ें पता चली। इसलिए श्री माता जी और कृपा भैया को थैंक्स वेरी मच। जय श्री माता जी। और कोई बहन? बहन जी जोर से। मुझे यहाँ आकर मैं पहली बार बैठ आई हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे बहुत ऐसी ऐसी बात पता चली जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं जाना था, और इस चीज़ को लेके मैं अपने सहजी भाई बहनों को भी कहना चाहूँगी कि ऐसी ऐसी जगह पे जाइए और आप अनुभव कीजिए इस चीज़ को, ताकि आपको भी पता चलेगी क्या हमारी दुनिया में कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें छुपी हुई है जो हम जान नहीं पा रहे हैं, और हम अंधेरे में घूम रहे हैं जो हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं है। तो इस चीज़ को आप भी फील करें और आप भी जान सकें, तो इस चीज़ को लेके श्री माता जी को थैंक यू और धन्यवाद करती हूँ। और कोई अन्य बहन जो भी बोलना चाहे? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हमने कल ध्यान किया, आज ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा, और ये आप पूछते हैं बार बार कि कैसा लगा आपको, कौन से चक्र की क्या महसूस किया, तो
तो हम इतने थॉटलेस हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या क्या हुआ था। जैसे अभी भैया ने कराया सारे गामा में, तो सारे चक्रों में कुछ तो कुछ हो रहा था क्योंकि फिर भूल गए, पर एक याद रहा क्योंकि वो अभी मेरा चक्र खराब है नाभि चक्र। अच्छा। तो उसमें मेरे को बड़ी जोर से फीवर होने लगी राइट नाभि में, तो मैंने कहा ये जरूर बताऊंगी मैं भैया को, पर फिर मैंने कहा ऐसा होता है। पर जो भी कुछ हो रहा है बहुत आनंद आ रहा है, शायद अभी बहुत टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, और शायद पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। और ये भी बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप सब आए और बहुत अच्छा लगा, इतना हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे सारे सहजी बहन भाई आएंगे, बहुत आनंद करेंगे, और वाकई हमने बहुत आनंद उठाया। श्री माता जी ने हम पर कृपा करी कि हमारे यहाँ इतने सहजी बहन भाई आए, इतने प्यारे प्यारे सहजी बहन भाई आए, इतनी असुविधाएं हुई उन्हें, पर किसी ने भी चू नहीं बोला, सबने बोला बहुत अच्छा था। कोई बात नहीं, घर में जाके बोल देना थोड़ा बहुत अब कम था, कोई बात नहीं, हमें वाइब्रेशन से पता चल जाएगा। जय श्री माता जी। और कोई बहन? वो तो मैंने आपको बोला कि कुछ लोग जो बोलना चाहते हैं, कोई भी संदेशा लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सबके लिए कंपलसरी है, जो चाहते हैं। और उससे बहुत ही माँ बाप परेशान है अपने बच्चों के लिए, तो ठीक है, उसकी अटेंशन आप कराइएगा, अटेंशन वर्क उस पर कराइएगा, और वो बताइएगा कि वो जो घर में बच्चे हैं उनके साथ कैसे टैकल करें पेरेंट्स, जो कि उनकी वजह से बहुत कलेश में है। कल से मैं ये आपको बोलना चाह रही पर नहीं बोल पाई, पर मैं अभी ये बोल रही हूँ आपसे भैया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए इसमें एक ऐड कर लेंगे, हजारों चीज़ें हैं सेशंस में ऐड होने के लिए, पता नहीं कितने प्रकार के पहलू हैं जो ध्यान के सेशन में आने वाले हैं, तो मैं इसको ध्यान रख लेता हूँ, बल्कि आने वाले समय में। जय श्री माता जी। इसके जब तक ये होता रहा हमारा सब, हम कंप्लीट थ्रू आउट थॉटलेसनेस में रहे, पूरी निर्विचारिता में रहे, पहली बात तो कि आगे भी हमने कैसे थॉटलेसनेस में रहना है, निर्विचारिता कैसे बनाए रखनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि भैया ने बताई और हमें काफ़ी समझ में आई, और हम उसके ऊपर चलने की पूरा पूरा ट्राई करेंगे ताकि हम हमेशा मेडिटेशन में रह सकें। सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं करना है, 5 मिनट आधा घंटा किया बस हो गया, नहीं, हर टाइम हमको किस तरह से मेडिटेटेड स्टेट में रहना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था भैया ने बताया, बहुत अच्छा लगा। और भी कई कई जो हमारे अंदर पुरानी मान्यताएं थी जो हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा ट्रबल दे रही थी, नाउ थ्रू दिस वो मान्यताएं भी हमारी ठीक हुई हैं और हम आगे से अपना मेडिटेशन और इम्प्रूव कर सकें। जय श्री माता जी सभी को। बहुत आप सबके सहयोग से, आप सबकी उपस्थिति से ये आनंददायी वातावरण और आनंददायी हो गया, श्री माता जी कृपा रही है और आगे भी रहेगी उम्मीद करते हैं। तो आप सब लोग यदि चाहे तो यहाँ इकट्ठे हो जाएं, एक यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होके फोटो सेशन ले जाएं 2-4 मिनट के लिए। जय श्री माता जी। ये हुई ना कोई बात, कितना अच्छा लग रहा है चेहरे पे, इतनी स्माइल, एक सेटिस्फेक्शन, एक आनंद सबके चेहरों पे बरस रहा है। ये वीडियो चल रही है, बातचीत कर सकते हैं, हाथ पर हिला सकते हैं। अभी ये वीडियो है, बोल दूंगा जब स्टिल होगा।
धन्यवाद श्री माता जी का, आपने हमें सब बच्चों को अलग अलग जगह से एक जगह इकट्ठे करा और जो हमें ध्यान के माध्यम से अनंत ऊंचाइयों तक भ्रमण कराया, उसके लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हमें सबको बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मैं तो कुछ हुई नहीं, जो है सब श्री माता जी वही अरेंज करती हैं सारी व्यवस्था। क्या आप समझते हैं कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये परमेश्वरी के बस की बात है। ये सारी चीजें का परमेश्वरी के अलावा ये सब संयोजन एकत्रीकरण नहीं किया जा सकता, वही करती हैं। सुखद संयोगों की निर्मात्री हैं वो, दुखद संयोगों को नष्ट करती हैं। माँ आदि शक्ति, हमारी माँ, हमारे हृदय में रहने वाली जगदम्बे के रूप में माँ ही मौजूद हैं, जो हमारे भौतिक जीवन को सुंदर बनाती हैं और आध्यात्मिक जीवन में उत्थान की व्यवस्थाएं करती हैं। जैसे जैसे हमारी चेतना की स्थिति होती है, वैसे ही वैसे हमको वो अवसर प्रदान करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा मैं स्टिल फोटोग्राफ लेने जा रहा हूँ, स्टिल।